सबसे बड़ी खबर है, आतंकी संगठन जैश उल हिंद ने इसकी जिम्मेदारी ली है। मुंबई में मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक से भरी गाड़ी मिली थी और अब इस मामले में टेलीग्राम पर एक आतंकी संगठन जैश उल हिंद ने बाकायदा इसकी जिम्मेदारी ली है और कहा है कि ये उसी की कारस्तानी थी। कुछ दिन पहले इसी संगठन ने, आपको याद होगा, दिल्ली में इजरायली एम्बेसी के बाहर भी जो ब्लास्ट हुआ था उसकी जिम्मेदारी ली थी। बिटकॉइन से पैसे की डिमांड भी इस मैसेज में की गई है। मैसेज में एजेंसी को चैलेंज किया गया है कि रोक सकते हो तो रोक लो, तुम कुछ नहीं कर पाए थे जब हमने तुम्हारी नाक के नीचे दिल्ली में तुम्हें हिट किया था, तुमने मोसाद के साथ हाथ मिलाया लेकिन कुछ नहीं हुआ। ये लिखा है जैश उल हिंद की तरफ से जो मैसेज जारी किया गया है उसमें। साथ ही साथ इस मैसेज में, यानी जैश उल हिंद की तरफ से जो संदेश जारी किया गया है उसमें अंबानीज के लिए लिखा गया है कि तुम्हें मालूम है तुम्हें क्या करना है, बस पैसे ट्रांसफर कर दो जो इसके लिए तुम्हें पहले भी बोला गया है। यानी साफ तौर पर पैसे की डिमांड की गई है और कहा गया है कि पैसे ट्रांसफर कर दो वरना जो अटैक है वो आगे अंजाम दिया जा सकता है। इस तरह की धमकी जो है वो साफ तौर पर नजर आ रही है।